हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास जो है .NET फ्रेमवर्क इनिशियलाइजेशन एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं आपके पीसी में से, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहां पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास यहां पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप जो है यहां पर सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको जो है यहां पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं .NET फ्रेमवर्क, इस वाले बॉक्स में आपको चेक करना है, इन दोनों बॉक्स में। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है गूगल क्रोम को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है .NET फ्रेमवर्क। आप यहाँ पर से लेटेस्ट वर्जन का जो है .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी में। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।